एक ट्रेन जिसे अब नदी के ऊपर पुल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उससे लेकर एक पूरे के पूरे स्टेशन तक जिसे लावारिस छोड़ दिया गया। खैर, इनकी बहुत दर्दनाक कहानी है और आज आप फिर से कुछ ऐसे ही लावारिस ट्रेन के बारे में जानने वाले हैं। तो यात्रीगण, यात्रा पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दें। ईगल लेक ट्रेन। अगर आप कभी मेन जाएं तो ईगल लेक नाम की इस जगह पर जरूर जाएं, जहां आपको एक नहीं बल्कि दर्जनों लावारिस ट्रेन्स खड़ी हुई दिख जाएंगी, जिस पर प्रकृति और समय ने अपना काम बखूबी कर रखा है। सन 1926 के समय में वेस्ट ब्रांच रेल रोड ने अपने पूरे रेलवे सिस्टम को बदला और तभी यहाँ ईगल लेक से 13 मील दूर बजूकस लेक तक के लिए ट्रेन चलाई गई। शुरुआती समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 1930s में इनको बिना किसी चेतावनी के बंद कर दिया गया। इसके बाद यहाँ चलने वाली ट्रेन्स का कोई काम नहीं था और जो ट्रेन्स यहाँ खड़ी थी उसे भी लावारिस छोड़ दिया गया, और तब से लेकर आज तक दर्जनों ट्रेन्स ईगल लेक के पास लावारिस खड़ी हैं। तो अगर आप कभी यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये जंगल के बीच में खड़ी है, इसलिए ये ट्रेन सब जंगली जानवरों का घर बन चुकी है। परम रीजन, जरा इन ट्रेन्स को देखिए, ये ना सिर्फ आपको इतिहास की याद दिलाएंगी बल्कि इतिहास में ही वापस ले जाएंगी। तो अगर आपको भी ट्रेन से प्यार है तो मैं अब आपको परम इलाके में ले चलता हूँ और इस गांव में आपको दर्जनों जंग लगी ऐतिहासिक ट्रेन्स ऐसे ही खड़ी हुई दिख जाएंगी। आज इन ट्रेन्स के चारों ओर इतनी घनी मात्रा में जंगल उग चुका है कि दूर से देखने पर तो ये ट्रेन्स आपको दिखाई तक नहीं देंगी, क्योंकि ये ट्रेन्स यहाँ पर सन 1936 से ही इसी हालत में खड़ी हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन्स यहाँ इस हालत में क्यों खड़ी हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जगह ट्रेन्स का कोई कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि सोवियत यूनियन के समय में ये जगह बैकअप रेलवे बेस हुआ करती थी। उस जमाने में लोगों को न्यूक्लियर वॉर का बहुत डर रहता था और इसीलिए सोवियत ने तुरंत लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए तकरीबन 140 ट्रेन्स इस जगह पर खड़ी करी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये भाप वाले इंजन जल्दी ही दुनिया की जरूरतों से खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह डीजल इंजन ले लेंगे। और जैसे ही दुनिया में पावर इंजन आए, सरकार ने इन ट्रेन्स का रखरखाव करना बंद कर दिया। इन 140 में से कुछ ट्रेन्स को तो चाइना द्वारा खरीद लिया गया, वहीं कई ट्रेन्स को म्यूजियम में भी रखा गया, लेकिन बाकी बची सभी ट्रेन्स को वहीं उसी जगह प्रकृति के हवाले छोड़ दिया गया। आज यहां लोग आते हैं और यहां पर फोटो करवाने के साथ साथ जाते जाते कोई ट्रेन का पुर्जा भी साथ ले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो इसका क्या करेंगे। जॉर्जिया ट्रेन ब्रिज। हर बार जरूरी नहीं कि सरकार ही हर जगह ब्रिज बनाए, कई बार लोग अपनी जरूरतों के मुताबिक भी ये काम कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ जॉर्जिया में भी किया गया। जॉर्जिया के रूट 11 पर चलते हुए यहाँ आपको एक नदी दिखेगी और इसी नदी के ऊपर ये ट्रेन का एक कोच इस तरह से रखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये कोच किस ट्रेन का था और इसे कौन यहाँ तक उठा कर लाया, क्योंकि यहाँ आसपास आपको कोई भी ट्रेन की पटरी तक नहीं दिखेगी। बदकिस्मती से इन सवालों का जवाब मुझे भी नहीं मिल पाया। लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने ये काम किया था और कब कैसे क्यों ये किसी को नहीं पता। आज इस डब्बे की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है, बल्कि जब ये नदी अपने उफान पर होती है तब इस डब्बे में पानी तक भर जाता है, और समय और पानी की मार ने ही इस डब्बे को आज जंग का घर बना रखा है। खैर, आज इस ब्रिज पर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज जगह जगह से टूट फूट चुका है, लेकिन फिर भी बहादुर लोग इसे इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाते। जब तक एक आधा हादसा नहीं होता, मेरे ख्याल से बाज आएंगे भी नहीं। फ्रांस यूके अबैंडन्ड ट्रेन। एड्रियन नाम के इस आदमी ने इस ट्रेन को गूगल मैप की सहायता से ढूंढा और जैसे ही उसे इसकी खबर मिली वो तुरंत इसे देखने के लिए निकल पड़ा। यकीन मानिए, ये ट्रेन आज के जमाने की अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। एड्रियन ने वहां जाकर इस ट्रेन की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड करी। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद बहुत से लोग इस ट्रेन को देखने के लिए इसकी तरफ निकल पड़े। बदकिस्मती से जब तक ये ट्रेन इंसानों से दूर थी तब तक ये अच्छी हालत में थी, लेकिन लोगों ने यहां आते ही इस पर अपनी कलाकारी करनी शुरू कर दी। एड्रियन ने बताया कि इस ट्रेन में आज भी 13 डब्बे लगे हुए हैं, जिनमें से 2 डब्बों के अंदर शाही रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। इस ट्रेन में अभी भी अंतिम बार चलाए जाने की निशानियां मौजूद हैं, जैसे कि अंतिम बार यात्रियों को दी गई मैगजीन्स अभी तक इस ट्रेन में मौजूद हैं। वहीं इंजन अभी तक बिल्कुल अच्छी हालत में खड़ा है। खैर, अभी तक तो ये किसी को पता नहीं चल पाया कि क्यों इस कमाल की ट्रेन को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया गया। अगर हम आज भी देखें तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद ये ट्रेन फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। बदकिस्मती से लोगों ने इसके कई अहम पुर्जे चुरा लिए, कई जगह से इसके शीशे तक तोड़ डाले, और जाते जाते ट्रेन पर अपनी कलाकारी करके गए वो अलग। एक अंदाजे के मुताबिक ये ट्रेन 1994 से 2014 तक चलाई गई थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस में E320 ट्रेन आई तब इस तरह की ट्रेन्स को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। खैर, उस समय जितने भी ट्रेन्स को रिटायर किया गया था उन सभी को कबाड़ में काट दिया गया था।
लेकिन पता नहीं क्यों इस ट्रेन को कबाड़ में क्यों नहीं काटा गया। एल्डविच स्टेशन। अगर आपने वी फॉर वेंडाटा मूवी देखी हो तो उसमें आपने एल्डविच स्टेशन को जरूर देखा होगा। ये एक बहुत पुराना ट्यूब स्टेशन है जो कि लंदन जैसे शहर में लावारिस पड़ा हुआ है और आज इसे लोगों द्वारा सिर्फ फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके दरवाजे हर रोज सिर्फ घूमने आए लोगों के लिए ही खोले जाते हैं। तो क्या आप एक लावारिस पड़े स्टेशन को अच्छे से देखना चाहते हैं? असल में एल्डविच स्टेशन को पहले शटल ट्रेन्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दिक्कत बस ये थी कि ये ट्रेन्स कुछ खास यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई और परिणाम स्वरूप इस स्टेशन को सन 1994 में ही बंद कर दिया गया। वैसे इसके बंद करने की बातें तो सन 1962 से ही चलती आ रही थी, लेकिन फिर भी खींचते खींचते ये काम सन 1994 में किया गया। इस स्टेशन की कमाल की कहानी है। इस स्टेशन ने दोनों वर्ल्ड वॉर देखे हैं और एक समय में इसी स्टेशन में इंग्लैंड की सबसे कीमती पेंटिंग्स और कीमती सामान रखा जाता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड को डर था कि कहीं उनके ये खजाने दुश्मन के हाथ ना लग जाएं, इसलिए उन्हें यहाँ छुपा दिया जाता था। एक ट्रेन आज भी स्टेशन पर खड़ी हुई है, वो भी स्टेशन के साथ लावारिस छोड़ दी गई थी। खैर आज स्टेशन बहुत से लावारिस और बेघर लोगों का घर है, ना जाने आगे इसके साथ क्या होगा। अबंडेंड इन स्कॉटलैंड। इंटरनेट पर आपको एक फोरम मिलेगा जिसका नाम डेरलिक्ट प्लेसेस है। उस फोरम पर एक यूजर द्वारा स्कॉटलैंड की ट्रिप की कुछ फोटोज और वीडियोस अपलोड की गई। इन फोटोज में कुछ और नहीं बल्कि एक बेहद पुरानी जंग का शिकार हुई ट्रेन मौजूद थी। यूजर ने बताया कि इस ट्रेन के कुल 12 डब्बे वहां खड़े थे। इसके अलावा उसका इंजन पटरियों से उतरा हुआ था। वहीं इसके साथ ही 12 में से ज्यादातर डब्बे आग का शिकार हो चुके थे, बाकी बचे कुचे कुछ थोड़ी ठीक ठाक हालात में मौजूद थे। इस ट्रेन को देखते ही ये पता लग रहा था कि इस पर इंसानों ने अपना काम किया हुआ है। खैर पूरी ट्रेन आग के साथ साथ जंग का भी शिकार हो चुकी थी और इसी जंग के ऊपर लोगों ने ग्रेफिटी आर्ट बना रखी थी। आज ये ट्रेन पूरी तरह से झाड़ और घास फूस में ढकी हुई है, लेकिन अगर ऊपर से देखे तो सच में ये आपको बहुत डराने वाला लगेगा। इस ट्रेन की ज्यादा जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि क्यों इस तरह से इसे लावारिस छोड़ा गया और क्यों इन ट्रेन्स की जानकारी अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। लास्ट ट्रेन। यकीन मानिए अब जिस ट्रेन के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ट्रेन उससे आगे कहीं जा ही नहीं। स्टेवर्ट पेनिनसुला में एक नदी के पास आपको ये ट्रेन कुछ इस तरह से दिख जाएगी। ना सिर्फ ये ट्रेन यहाँ टूटी हुई थी बल्कि इससे जुड़े सपने भी लोगों के जरूर टूटे होंगे। ये समय था 20वीं शताब्दी की शुरुआत का, जब दुनिया में एक बहुत बड़ा रेल रोड बनाने की बात चल रही थी जिसे काउंसिल सिटी एंड सोलोमन रिवर रेल रोड का नाम दिया गया था। और इस रेल रोड पर खास तौर से सोने से भरी हुई मिट्टी का ट्रांसपोर्ट किया जाना था, लेकिन जल्दी ही ये पूरा प्लान और इस प्लान को फंड देने वाले लोग घाटे में चले गए और सिर्फ 5 सालों बाद 35 मील लंबा बना ये रेल रोड सन 1907 में ही लावारिस छोड़ दिया गया। इस रेल रोड पर एक ट्रेन भी उस समय चलाई गई थी जो कि आज भी सोलोमन नदी के किनारे लावारिस पड़ी हुई है। बेशक ये प्रोजेक्ट ना ही कभी कंप्लीट हुआ और ना ही इस रेल रोड का कभी इस्तेमाल किया गया, फिर भी ये पूरी तरह से बेकार नहीं था, क्योंकि ये जगह दुनिया भर से ऐतिहासिक ट्रेन्स में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए जन्नत जैसी है। लोग यहाँ आते हैं, अपनी फोटोज वीडियोज बनाते हैं और चले जाते हैं। मैनचेस्टर टू द वर्ल्ड। अब जिस ट्रेन के बारे में आप देखने वाले हैं उसमें ना सिर्फ एक ट्रेन को बल्कि इस तरह की ट्रेन्स की पूरी प्रजाति को ही लावारिस छोड़ दिया गया। बायर पिकोकी नाम की ये कंपनी जिसने एक समय पर तकरीबन 8000 भाप से चलने वाले इंजन्स बनाए थे जिन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई किया गया था, और यकीन मानिए ये इंजन इतने टिकाऊ थे कि आज भी कई छोटे मोटे देश इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पिकोकी कंपनी ही पूरी दुनिया भर में ट्रेन्स के बिजनेस पर राज करेगी, लेकिन जल्दी ही ये सब कुछ उल्टा पड़ गया। मेट्रोज, ट्रैम्स और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के अलावा डीजल लोकोमोटिव्स सब इस दुनिया में आ गए। उन्होंने अब स्टीम इंजन्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भी डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तब पूरी दुनिया ने उनकी रेस करी, और तब पिकोकिन कंपनी की ये उम्मीद भी टूट चुकी थी कि उनके बचे कुचे स्टीम लोकोमोटिव्स कभी बिकेंगे। और सन 1966 तक आते आते ये कंपनी इतने घाटे में चली गई कि इसे मजबूरन बंद करना पड़ा, और आज भी उनके वही स्टीम इंजन्स इंग्लैंड के जंगलों में कुछ इस तरह से लावारिस पड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं है कि कभी इन्हें फिर से स्टार्ट तक किया जाएगा खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट हांशु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर दें। वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो पार्ट टू लिख दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।